ये प्रोग्राम है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन सी डबल प्लस। अब यहाँ देख सकते हैं क्लास को, ये क्लास के अंदर कितने मेंबर हैं, यहाँ पे दो मेंबर, ये पे चार मेंबर्स, पूरे इसके अंदर छः मेंबर्स हैं, दो वेरिएबल मेंबर हैं और चार फंक्शंस हैं। बट ये चारों फंक्शंस में ये दो फंक्शन स्पेशल है, ये दो कंस्ट्रक्टर है। जिस फंक्शन का नेम सेम क्लास नेम होगा तो ये कंस्ट्रक्टर है, वो आपको मालूम ही है। और ये क्लास का नेम, ये फंक्शन का नाम नहीं है, फंक्शन का रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नेम तो ऐड है। तो यहाँ क्लास का नेम इसलिए आया होगा कि समझो एक फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं है तो उसे रिटर्न टाइप हम क्या लगाते हैं, वॉइड लगाते हैं। या कोई फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट हो तो कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप में इंटीजर आएगा, फ्लोट रिटर्न कर रहा है तो फ्लोट आएगा, तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो क्लास का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो रहा है। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है वो क्लास का नेम आया। तो ये क्लास है ना डेटा टाइप जैसा यूज कर सकते हैं, जैसा इंटीजर फ्लोट, इसके वेरिएबल बना सकते हैं, माने कि उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो हाँ क्या लिखते हैं, तो उसी क्लास का नाम लिखते हैं जिस क्लास का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन से रिटर्न हो रहा है। अच्छा, आप देखते हैं कि इस प्रोग्राम, ये फंक्शन सिर्फ डिक्लेरेशंस है तो इनके डेफिनेशंस है ना फंक्शन के क्लास के बाहर डिफाइन किए हैं। जब क्लास के बाहर कोई फंक्शन का डिफाइन करते हैं, आपको मालूम ही है मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन कैसा आता है। अब समझो ये डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले और रिटर्न टाइप है, ये तो सिर्फ डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन उसको बोलते हैं सिर्फ डिक्लेयर कर दो, सब लास्ट में सेमी कोलन दे दो, इसे डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि ऐसा एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन जब बाहर हम डिफाइन करेंगे तो ये बीच में क्या आएगा, रिटर्न टाइप और क्लास नेम के बीच में, तो क्लास नेम स्कोप ऑपरेटर आता है। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स क्लास नेम ही आएगा, फिर एडिशनल क्लास नेम स्कोप ऑपरेटर आता है जब ये कंस्ट्रक्टर बाहर डिफाइंड होता है। तो इसका भी देखिए ऐसा कंस्ट्रक्टर। अब ये भी देख सकते हैं आप, तो ये फंक्शन नेम था, ये क्या था, ये रिटर्न टाइप था। देखिए फंक्शन नेम रिटर्न टाइप, बीच में क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स और रिटर्न, ये स्कोप ऑपरेटर आता है जब भी कोई भी जिस फंक्शन को बाहर डिफाइन करते हैं, जिस क्लास के मेंबर को, उस क्लास का नेम और स्कोप ऑपरेटर उसके साथ डिफाइन करके लगाना पड़ता है। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, दो क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर है, तो हो सकते हैं कितने भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। इसे ये भी बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक से ज़्यादा जब कंस्ट्रक्टर है उनका पैरामीटर अलग अलग प्रोवाइड करना है। देखिए इसमें पैरामीटर है ही नहीं है, इसमें दो पैरामीटर है। तो देखिए ये प्रोग्राम को ट्रेस करते चलेंगे अभी। अब मेन में तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप देख, उस क्लास का नाम जानते हैं आप, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मैं C1, जस्ट जैसा इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं, जैसा फ्लोट का वेरिएबल बनाते हैं, ऐसा क्लास का वेरिएबल। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही हमको वैल्यूज देना पड़ गया, क्यों, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर था, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर था, तो ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस कंस्ट्रक्टर के दो पैरामीटर थे, यहाँ दो पैरामीटर थे इसके, ये दोनों को वैल्यू भेजना पड़ेगा, क्योंकि है ना ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये दूसरे फंक्शन जैसा नहीं रहता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, अपने आप कॉल हो जाता है कि ऑब्जेक्ट बनाते ही। अब C1 बनाते ही तुम्हें वैल्यूज नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और एक जो है ना वो कॉल होगा। हमको ये कॉल करना था, जब कंस्ट्रक्टर है कोई, उसके दो पैरामीटर होते हैं दो, और जब है ना ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही हमको ये दो वैल्यू पास करना पड़ेगा। चलो 5.5 चल गया ये R में, 6.5 चल गया I में, तो उसके बाद ये दोनों को है ना, हाँ ये C1 का मेमोरी एक बार देख लीजिए आप, C1 का जैसा इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं तो दो बाइट का एक लोकेशन जैसा बनता है। तो जब ये क्लास का, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, जब ये क्लास का कॉम्प्लेक्स है ना, उसके अंदर दो मेंबर है, आप देखे ही होंगे, देखिए ये दो मेंबर थे ना इसके अंदर, हर ऑब्जेक्ट, उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओ उस ऑब्जेक्ट के लिए फ्लोट के दो मेंबर है ना, 8 बाइट का मेमोरी मिलेगा उसका, 4-4 बाइट का एक मेंबर होगा, एक रियल एक इमेजिनरी। ये पूरा है ना ऑब्जेक्ट है ना C1 नाम से बनाया गया है। अब ऑब्जेक्ट बनाते ही अब दो वैल्यू पास करें तो ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। बट आप दो कंस्ट्रक्टर थे, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो अब दो वैल्यूज पास करने के चलते दो पैरामीटर वाला ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। R में जो वैल्यू है वो 5.5 है, I में जो वैल्यू है 6.5 है, वो दोनों वैल्यू रियल इमेजिनरी को जा रहे हैं। यहाँ तीन तीन ऑब्जेक्ट है, किसके रियल किसके इमेजिनरी में जाएगा बोले तो, वो कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ, C1 में जाएंगे। C1 में एक में 5.5 जाएगा और एक में 5 जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो C2 ऑब्जेक्ट बने, तो C2 के लिए फिर कंस्ट्रक्टर यही कॉल होगा, जब ये दोनों वैल्यूज उसको पास करेंगे वो ले लेके जिस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ उसके मेंबर्स को वो दे देगा। इसके मेंबर्स क्या थे, तो 5.0 और
10.5 दे दिए। तो हमको क्लास डिफाइन करने से यह फ़ायदा हो गया है कि हमें क्लास के जब देखिए हमारा एक एक ऑब्जेक्ट कैसा बना है, देखिए हमें रियल इमेजिनरी दोनों भी हमारे एक ऑब्जेक्ट से हम रेफर कर ले पा रहे हैं। देखिए हमारे डेटा को इनकैप्सुलेट कर ले, रियल एक लोकेशन, इमेजिनरी एक लोकेशन स्टोर होता था, नहीं तो अभी हम क्या करें कि हमारा रियल इमेजिनरी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक ही लोकेशन में आ गया हमारा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा रहता है, देखिए 5.5 प्लस आई इमेजिनरी से 6.5। तो ये सब नहीं देना है, रियल पार्ट अलग से दे देना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग से हमें पास करती है सो है। अच्छा, इसके बाद हम और एक ऑब्जेक्ट बने, क्योंकि वो दोनों को सम करने के बाद हम C3 में रखना चाह रहे हैं, तो और एक ऑब्जेक्ट बने, हम कोई वैल्यू पास नहीं दे रहे इसके लिए, तो कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, तो इसके लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब ऑब्जेक्ट बनाते हो कुछ वैल्यू पास नहीं करते हो साथ में, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर है नहीं सो कंस्ट्रक्टर है, उसके रियल इमेजिनरी को कौन से ऑब्जेक्ट से वो कॉल हुआ, C3 ना भी बना, इसमें 0 0 दे रहा है वो। और उसके बाद तीनों ऑब्जेक्ट बन गए, तो ये दोनों के लिए जो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसके लिए पैरामीटर नहीं सो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब यहाँ को आ जाओ, आप कौन से फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो क्या भेज रहे हैं उसे, C2 भेज रहे हैं। C2 का मतलब क्या है, ये भेज रहे हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। तो आपको डाउट आता होगा, एक ही ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो उन्हें सम कैसा करेगा, दो ऑब्जेक्ट भेजना ये है ना, यहाँ C1 से कॉल हो रहा ना, उसके मेंबर्स भी वहाँ का एक्सेस हो जाएंगे। तो जो पास कर रहे हैं उसके मेंबर भी एक्सेस होंगे, जिससे ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं उसके मेंबर भी एक्सेस होंगे। देखिए आप एक्स में आ जाएगा, C2 जो भी है वो एक्स में आ जाएगा। देखो एक्स के लिए भी ऐसी मेमोरी को इमेजिन कर लेना है, एक्स के लिए C2 में जो भी है ऐसी ही मेमोरी उसके लिए भी बनेगी, क्योंकि उसका भी टाइप कॉम्प्लेक्स है। तो ये डेटा पूरा एक्स में आ जाएगा। अब यहाँ एन के लिए भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट बनेगा, एन के लिए भी ऐसा ही ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ देखो एक्स डॉट रियल का, तो एक्स में आप क्या पास कर रहे थे, C2 पास कर रहे थे ना, C2 का रियल ले लेना 5.5। तो आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ यूज नहीं करे, खाली रियल लिखे हैं। देखिए यहाँ कोई सिर्फ रियल लिखे हैं, तो यहाँ तीन ऑब्जेक्ट में यहाँ इतने सारे ऑब्जेक्ट है, एक्स भी है, एन भी है, यहाँ भी तीन है, कौन सा किसका रियल लेगा, इन्हें ना इसे डॉट यूज़ करे कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करे, तो इसका ये लेगा। तो जिस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ ना, C1 यहाँ है, देखिए C1, तो C1 का रियल लेगा, C1 का रियल, ये एक्स में C2 पास हो गया है, वो दोनों का रियल सम करके एन के रियल में रखेगा, एन को भी ऐसा लोकेशन बना हुआ होगा। और इमेजिनरी का, तो C1 का इमेजिनरी, एक्स डॉट इमेजिनरी तो C2 का, दोनों का सम करके एन के इमेजिनरी में स्टोर हो गया। आंसर कहाँ आ गया, एन में आ गया। अब एन को रिटर्न कर दे रहे हैं, जो भी एन को आप रिटर्न कर रहे हैं वो सीधा आके C3 में स्टोर हो जाएगा। सीधा कहाँ पर स्टोर होगा, C3 में स्टोर हो जाएगा। C3 जो रिटर्न हो रहा है उसका टाइप देखिए, यहाँ C3 का टाइप देखिए, सेम टाइप है। तो इंटीजर इंटीजर को रिटर्न करें तो क्या होगा, इंटीजर इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट को फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, एक फ्लोट वेरिएबल को और एक फ्लोट वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल को और एक इंटीजर वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ऐसा एन का टाइप कॉम्प्लेक्स है, वो रिटर्न हुआ C3 में, C3 का टाइप भी तो कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ क्या रिटर्न हो रहा है, तो एन मतलब नहीं है, एन का टाइप क्या है, ये यहाँ लिखते देखिए कॉम्प्लेक्स। यहाँ दो बार कॉम्प्लेक्स इसलिए आया, जो रिटर्न हो रहा है उसका टाइप है कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पे आ गया। और ये कहीं को आया बोले तो ऐड फंक्शन कॉम्प्लेक्स का मेंबर है। जब कोई क्लास के मेंबर को बाहर डिफाइन करते हैं तो ये आता है बीच में, क्लास का नेम और स्कोप ऑपरेटर आता है। अच्छा, अब C3 में आंसर आ गया। अब C3 में आंसर आने के बाद अब हमें उसको डिस्प्ले करना है। थोड़ा एक बार सम ऐसा लिख लो, सम कोलन, ये पहले ये प्रिंट होगा सम बोल के, उसके बाजू हमको आंसर आके डिस्प्ले होना है, उसके बाद हमको आंसर आके डिस्प्ले होना है। तो यहाँ पे आंसर आना है, तो C3 डिस्प्ले को हम कॉल करें, C3 डिस्प्ले को हम कॉल करें। तो अभी ये कॉल हो गया, किसी कॉल हुआ, C3 का रियल यहाँ प्रिंट होगा। देखिए इसका आउटपुट मैं बता दे रहा हूँ, पहले सम कॉलन, देखो यहाँ दिख रहा होगा सेम कॉलन, ये प्रिंट होगा, उसके बाद डिस्प्ले कॉल होगा। डिस्प्ले कॉल होने के बाद कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ, C3, C3 का रियल में क्या है, C3 ये दोनों का देखिए 10.5 वो सम होगा। तो उसके बाद प्लस से बीच में प्रिंट होगा कि दिखाओ के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर प्रिंट करते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर लगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं, उसे देते वक्त ऐसा देना है। तो फिर प्रिंट करते हो स्क्रीन पे ऐसा दिखाई दे वो प्लस से। तो उसके बाद इमेजिनरी, किसका इमेजिनरी, तो C3 से कॉल हुआ ना, C3 का इमेजिनरी क्या है, C3 का इमेजिनरी 17.0। ये एक्चुअल आउटपुट सम कॉलम, तो यहाँ प्रिंट हुआ। उसके बाद C3 क्या किया, ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्ले कर दिया C3। देखिए ये आके सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम ऑब्जेक्ट यूज करें। तो ऑब्जेक्ट से आपको क्या फायदा हुआ, क्लास डिफाइन करने से क्या फायदा हुआ आपको, कि आपका डेटा इनकैप्सुलेट हुआ, आपके फंक्शंस आपका डेटा पूरा एक जगह कर लिए हैं,
तो देखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को तो दो वेरिएबल लेके स्टोर करना पड़ता था, रियल को एक इमेजिन, दो सब मिला के तो एक में स्टोर नहीं कर सकते, दो अलग अलग ना, इसका दो अलग अलग है फिर भी एक में आ गया है। देखिए डेटा को ऐसे इनकैप्सुलेट कर लेते हैं, हमारा पूरा डेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा एक ऑब्जेक्ट में हो जाए और ये फंक्शंस भी जो हो जाए, ये वेरिएबल्स और फंक्शन को पुला को एक ही यूनिट में हम कर लिए हैं। अच्छा, इसको आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू। Thank you.